अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते की तीसरी कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शेख रशीद साहब की डमी और हमारी टीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बब्बू सैटिस्फाइड है, शुक्र है। मेरा हिस्सा पे गया पिछले एपिसोड ने, बेहतरीन। बेटा हुन आप पूछो ले, ये क्या बात हुई ना, तौबा दा मकाम, मेरी जान अटकी सी पिछले एपिसोड, शुक्र है, लेकिन एंड ते दाद मिली। बिल्कुल, लेकिन बहुत शानदार पर्सनालिटीज थी पिछली दोनों, है ना सर। और सर उसमें आखिर में उन्होंने विक्टर ह्यूगो, उस्ताद दामन, दोनों बहुत बड़ी शख्सियत। विक्टर ह्यूगो बॉस, विक्टर ह्यूगो बॉस। ऐ खामोश नौजवान, ये बातें हो रही हैं तो इशारे ही कर दे बंदा, ये कह रहा है, ये कह रहा है। माल है यार, तीसरा एपिसोड है, मुंह ही नहीं खुला, ये हरकत ही नहीं की। इशारा करने का क्या फायदा है शेख ऋषि साहब? इशारा करने का क्या ये हुआ है? और हॉली जैंड ते वाशमर ले भी कहना है। नहीं यार उमर भाई प्यारे, इतने बुरे लोग हैं, सीख जाएंगे ऐसा ऐसा। उमर भाई हम आपके साथ हैं, इन्हें जितनी देर में सीखना है फ्लैट तैयार हो जाएंगे। हाँ पता चले ये भी कि बाहर जा रहे हैं, इन भाइयों का हमने ठेका लिया हुआ है, तैयार कर करके इन्होंने मशहूर कर कर उठे भेजी जा रहे हैं, खाबे खाने उठे मुफ्त। हाँ इन्होंने जाना है, लेकिन इन्होंने जाना है इटली। क्या अच्छे मुल्क है, तीनों जुड़े हुए शानदार मुल्क, स्पेन, इटली एंड फ्रांस। खुदा की कसम अफ्ताब, मेरे ये तीनों मलक रोमांस हैं। रोमांस हैं। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी, कसौटी का टाइम शुरू किया जाए डॉक्टर साहब। जी कैफी। जी तो शुरू कर लेते हैं। शख्सियत जिंदा जी, मर्द जी, एशियाई नो, अमरीकी सर, अमरीका से भी ताल्लुक है जी, अमरीका से भी ताल्लुक है, तो मैं इससे अखज करता हूँ कि बॉर्न अमेरिकन नहीं है, लेकिन भारत, एक जिंदा मर्द जी जिसका ताल्लुक अमरीका से भी है। और ये तीन ही सवाल मैंने पूछे अभी जी सर, चार हो गए, आपने एशिया पूछा, एशियाई पूछा था, वो नहीं है, क्योंकि मैंने इस दफा सवालात जो है ना एहतियात बरतनी है, मैंने उस्ताद दामन का दामन हाथ से 19वें पे जाके थामा था, छोड़ दिया था एक तरह से, ये मेरी किस्मत थी कि मैं, क्योंकि इसका नुकसान पता क्या होता, डिप्रेशन, उस्ताद दामन को नहीं बूझ सका। अच्छा जी, ताल्लुक फनून लतीफा से जी, ये साहब माइग्रेट करके किसी और मुल्क से आए हैं, मग है। मग है। इनकी वजह शोहरत बतौर अदाकार है जी। मेरा जिस तरफ ध्यान जा रहा है ना जी, वो बेसिकली एक्टर टर्न्ड डायरेक्टर है। डिड ही माइग्रेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? नो। यूरोप? यस। बर्तानिया से जी? दैट नैरोज डाउन, वेरी नैरो डाउन। कितने सवाल हुए? 9। 11 रह गए हैं। मेरा ध्यान जो है ना सर एंटनी हॉपकिंस की तरफ जाता है, मेरा खुद वहीं जा रहा है, लेकिन मैं जानता नहीं उन्हें। क्या कहने शेख साहब, सिगार तुसी नाला पाउन ही रखे, यानी के मेरे साथ ये होगा शो में? नहीं, शो के बाद भी होगा। इन्हें सर का खिताब दिया गया? नहीं सर। नहीं। डॉक्टर साहब आपका पिंडी कभी चक्कर लगा है? सर बहुत दफा। कभी आए जी लाल वैली और आपको नाश्ता कराते हैं जी? शेख साहब आप सिर्फ मुझे कह रहे हैं या पूरी टीम के लिए ऑफर? मेरे माथे पे क्या लिखा है? कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या मतलब? मैं पागल हूँ आपकी टीम को, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जनाब। यह बहुत बुरी बात है शेख साहब। ये एक्टर कॉमेडी फिल्मों की वजह से मशहूर है जी? नहीं, बंगाली फिल्मों से मशहूर। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं फराज, माहौल में थोड़ा शोर शराबा होना चाहिए। चीख मारे। ओए तुम्हें कह रहा हूँ हंसी ना जाओ। एक मशहूर किरदार जॉनी इंग्लिश इन्होंने कर रखा जी। शेख साहब उठे, एक मिनट उधर चलें, उधर चलें। एक मिनट, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। मैं खुद हैरान हूँ, क्या खा के आते हैं आप, क्या खाते हैं? क्या मसला? ऐसे एक बात है सर,
क्या जॉनी इंग्लिश से अब यार कैसे बर्तानिया से नकल मकानी ये कितने को लोग हैं? आपने मेल ब्रुक्स की बारी कॉमेडी का नाम तक अगर आप ये मिसिंग यहाँ पर है अगर आप कह रहे आप प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि एक्टर और प्रोड्यूसर हो सकता है अच्छा एक डायरेक्टर हो सकता है मैंने सोचा यहाँ से जाने वाले मशहूर आम आदमी तो नहीं पूछेंगे ना ये साढ़े जेना ना खेल देने होता है पता नहीं यार नहीं जेना शेनो से एक मिनट अगर यही ये खुद सेल्फ एलोकेंट है ये कैरेक्टर जो है ना ये खुद बोल रहा है जब एक दफा डिटरमिन हो गया ना ये बर्तानिया से गया हुआ है तो फिर या तो बड़े बड़े नाम है कुछ तो मर गए जी जी जो जिंदा है उनमें सरे फेरिस्त या एंटनी हॉपकिंस है या ये है अच्छा जी अगर यही कॉमेडियन का सवाल आप उस दिन पूछ लेते ना मैं मरदा बस मैंने फ्रिज खोल के नहीं देखा सोच की बात है आए यार यहाँ पे बहुत बैठे 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 और शेख साहब सुनाओ तो भी ऐसे यार जॉनी इंग्लिश के बाद क्या रह गया पीछे आपने रोवन एटकिंसन पूछा वैसे ये सबसे आसान था सबसे आसान आप खुद देख लें कितने क्वेश्चन 13 नहीं 12 12 क्वेश्चन में जवाब आ गया यार ये तो लगाए जी ठेका लगाओ जी ठेका शेख साहब आओ की क्लिप आइए आओ जी आओ आए मिलके अपनी बर्बादी का मिलके अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हैं का जश्न क्या सोच के आए थे यार क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत हो गई है यार भाई वाह 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 मिस्टर बीन भी यार क्या कमाल एक्टर हुआ वैसे क्या बात है बेहतरीन ये है तो फिल्म स्टार लेकिन रेसिंग का बहुत शौक है जी जी जी, जी और ये वही हरकत करते करते बाल बाल बचा है जो माइकल शूमाकर ने की थी जी सर रेस नहीं सर मरते माइकल शूमाकर बचा कहाँ इसको बचना नहीं कहते नहीं ये बचा है मैंने कहा वही हरकत कर रहा था जो तुम्हारा इवेंट नहीं है दूसरी तो स्कीइंग में ना स्कीइंग का एक्सीडेंट हो गया जी इसने भी ऑलमोस्ट जान दे दी थी वो भी बेचारा एज गुड एज डेड है ये गाड़ियों का शौकीन है फिर गाड़ियों का हक अदा करने का इसको ये थोड़ा सा हिला हुआ है जिस तरह की हरकतें करता है नॉर्मल बंदा कर ही नहीं बड़ा एटीट्यूड में रहता सर ये बड़ा इसका एटीट्यूड है इस बंदे मैंने सबसे ज्यादा उससे अगर एंजॉय किया ना तो एक आध फिल्म को होगी मैं उसको बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ बाय द वे मुझे उसने इम्प्रेस किया था वो एक स्टैंड अप आर्टिस्ट के तौर पे ही आया है और डेविल बन के सर वो तो उसका शोरा फाक है ना जिसे आप कहते हैं तो वो बस वो नंबर वन था वो तो कमाल मैंने उस जैसा स्क्रिप्ट उस जैसी शानदार परफॉर्मेंस ओहो रिएक्शंस क्या स्टूडेंट्स के नाम क्या वो बंदा बात कर रहा है सर वो लगता है जैसे शेक्सपियरियन सोसाइटी का कोई बहुत बड़ा खड़पैंच बोल रहा है इसकी एक और वजह शोहरत है बड़ा बाकमाल आदमी है अच्छा खासा तबीब और हकीम भी है एक दफा अपने प्राइवेट ट्रिप पे जा रहा था टू केनिया और इसका जो पायलट है जो प्राइवेट प्लेन का जी वो फेंट हो गया चलाते चलाते इसने जहाज को भी संभाला दिया और मरीज को भी वा, 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 वा। और उसके मुंह पे छींटे विंटे मारे उसको ठीक किया कि भाई मरना ही है ना थोड़ी दूर रहेगी ये ट्रिप उतार दो हमें उसके बाद जो मर्जी दिल चाहे करो तो उसने बेचारे ने तौन मकरहन उठा जहाज संभाला लैंड किया उसकी अपनी जान खतरे में थी लेकिन ये एक अजीब देखे ना ये एडवांटेजेस होती हैं कि आपने किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत सीखा हो वो आपके काम आ जाता है बिल्कुल मैं इसलिए कहता हूँ स्विमिंग लाजमी सीख लो इत्तफाक से किसी ऐसी चीज में गिर जाओ तो कम अज कम हाथ पैर तो मारने जोगे हो असला भी चलाना इतना जरूर आना चाहिए कि आपकी जान बच सके उससे देखिए जी मेरे दोस्त को स्विमिंग आती थी लेकिन फिर भी वो मर गया वो कैसे जी वैगन उसके ऊपर से गुजर गई थी और वैगन पानी ची चलन रही थी नहीं ये जो कह रहे हैं कि स्विमिंग अगर आती हो तो बंदा मरता नहीं है यार अच्छा शेख साहब ए देखा स्टैंडर्ड दे हॉलीवुड दे फनकार क्या बात है वो जहाज बैठा होता पायलट बेहोश हो गया उन्हें आप जहाज चलाया कैसी गल उन्हें भी जगाया है अपने हवास नहीं उन्हें खोए इतने कुछ साडा फनकार होता तौबा दा मकाम नासिर भाई लेट से नासिर चिन्यूटी साहब जहाज में जा रहे हैं उन्हें जहाज ही हैंड ब्रेक खरीदने शीशा व्यूअर्स ये थी आज के एपिसोड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़